अच्छा सुनो, जितने भी लोगों ने थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया है, अगर कोई भी आदमी नवी मुंबई के अंदर प्रॉपर्टी लेना चाहता है और उसका बजट बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन पनवेल में नवी मुंबई में घर लेना चाहता है, तो उसके लिए सही वीडियो है। मैं तो सीधा सीधा वसई से ट्रेन पकड़ के आया और यहाँ पर सीधे पनवेल रेलवे स्टेशन उतरा। वैसे आपको ट्रेन पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, खांडेश्वर में ही बिल्डर ऑफिस है, वहीं से फ्री पिक एंड ड्रॉप मिल रहा है। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि जहाँ पर आपको 18,99,000 रुपये से प्रॉपर्टी के दाम चालू होते हैं और 29 लाख तक भी जाते हैं। सबसे पहले मैं तो उतर के टॉयलेट गया, और ये बाहर आप पनवेल रेलवे स्टेशन देख सकते हो। सबसे पहले बाहर निकलता हूँ, बहुत भीड़ थी स्टेशन पर। मतलब पनवेल है नवी मुंबई का एकदम मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और यहां पर प्रॉपर्टी लेने के लिए रोज इतने लोग आते हैं कि गिनना मुश्किल है। आप स्टेशन से बाहर निकलोगे ना, रिक्शा वालों की भीड़, खाने पीने वालों की भीड़, मतलब एकदम जबरदस्त। सबसे पहले तो मैं जाता हूं, देखता हूं एक दुकान पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैं सोच रहा था क्या है क्या, तो पता चला भाई गरम गरम कुछ बन रहा है। उतने में बगल में बस जाता हुआ देखता हूं, तो मैं पहले पता करता हूं कि पनवेल में ये कौन सी बसें हैं, कहां कहां जाती हैं। तो मुझे पता चला कि थाने, बेलापुर, कल्याण, हर लोकेशन पे जाने के लिए पनवेल से बस मिलती है अपने को। तो ये चीज तो सबसे अच्छी है। शेयरिंग रिक्शा वगैरह तो सब कुछ मुझे दिख ही रहा था, और बस की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है। तब तक राइट साइड में देखता हूँ तो ये एक प्रोजेक्ट बन रहा था, और पता किया मैंने तो भाई यहाँ पर तो 60-70-80 लाख रुपए का घर था। अब मुझे पता था यहाँ पर कोई नहीं ले सकता, तो मैंने सबसे पहले इंडियन वाली हरकत की, टच करके देखा कैसा है। एकदम गर्म था तो मैंने थोड़ा सा खा लिया, भूख लगी थी। वैसे ही मैंने इतनी धूप, जब आप आओगे ना तो आपको पता चलेगा, आप पानी ज़रूर कैरी करना, इतनी धूप है, इतनी गर्मी लगने वाली है आपको। सबसे पहले तो मैंने नींबू पानी पिया और पैसे दे के यहाँ से चलता हुआ ना, मुझे मेरा एक फ्रेंड है वो लेने के लिए आने वाला था, मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो के अंदर। तो भाई पहुँचे यहाँ पर और मैं उनके साथ गाड़ी पे बैठा, और धूप का तो कोई हिसाब नहीं था। बट एनीवेज, प्रॉपर्टी दिखाने के लिए मैं यहाँ से निकलूंगा। पनवेल रेलवे स्टेशन आप देख रहे हो, बाहर निकलते ही लाइन से जो बसें ट्रैवल कर रही हैं हर जगह के लिए, और कुछ ना कुछ तो आपको पहन के आना पड़ेगा, पानी वानी लेके ज़रूर चलना, क्योंकि बाइक पे तो बहुत धूप लग रही थी मुझे। बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको तो कार से पिक एंड ड्रॉप मिलेगा बिल्डर की तरफ से। आसपास में प्रॉपर्टी की अलग अलग बोर्डिंग्स देख रहा हूँ, कोई 60 लाख का बेच रहा है, कोई 80 लाख का बेच रहा है, कोई 1 करोड़ का बेच रहा है। अब यहीं पर सामने डी मार्ट भी था, मैं ये सोचने लगा कि नवी मुंबई में यार ये तो एकदम मेन बॉम्बे वाला रेट चल रहा है, लेकिन मुझे लकीली एक ऐसी प्रॉपर्टी मिली थी जहां पर कम रेट है, जहां पर कनेक्टिविटी, आप देखोगे ये गोवा वगैरह रास्ता जाता है, हर जगह के लिए कनेक्टिविटी है यहां से। ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, सामने जो ये बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हो, जायंट बिल्डिंग, ये इंडिया बुल्स की बिल्डिंग है, और इसी के जस्ट सामने प्रॉपर्टी है जो मैं आपको ले जाऊंगा दिखाने के लिए। एकदम हाईवे टच, सामने आप देखोगे यहाँ से मैं निकलूंगा तो एकदम हाईवे टच प्रॉपर्टी है। ये हाईवे के इस तरफ का रास्ता है जहाँ से मैं इंडिया बुल्स से आया, और उसके सामने हाईवे है, यहीं से नीचे एक टनल है, सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, वही सेम प्रोजेक्ट है। टनल क्रॉस करके जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, वो आप देख लो, अंडर कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर प्रोजेक्ट है, तीसरे माले का स्लैब होने वाला है, मतलब तीसरा स्लैब होने वाला है टेक्निकली, और ये बगल में जो बिल्डिंग है ये बन के बिल्डर ने डिलीवर कर दिया है, मतलब प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो गया है, पोजेशन देने वाले हैं, पूरा का पूरा बिल्डिंग रेडी टू मूव है। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये अपना नया कंस्ट्रक्शन है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं भाई गाड़ी से उतरता हूँ और जो बनी हुई बिल्डिंग है उसके अंदर आपको लेके चलता हूँ, ताकि सैंपल फ्लैट आपको दिखा सकूँ, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको दिखा सकूँ। बाहर से डिज़ाइन वगैरह तो सब कुछ आपने देखा ही है कैसा नहीं है। अंदर जाते ही भाई गणपति पप्पा हमको मिले, आशीर्वाद हमने उनका लिया, और सीधा लिफ्ट पकड़ के ऊपर सैंपल फ्लैट के अंदर। अब ये जो फ्लैट है ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये बिल्डर जो है कैसा फ्लैट बनाता है, कैसे साइजेस है, क्योंकि जितने भी लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए ढूंढ रहे हैं ना, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई अपने को प्रॉपर्टी मिल जाए जो हमारे बजट में भी हो और साइज़ भी उसका अच्छा हो। अब इसके जो टेरेस फ्लैट है, यहीं से आप हाईवे देख सकते हो, इंडिया बुल देख सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा कनेक्टेड प्रॉपर्टी है ये। हाईवे का जो सर्विस रोड आ रहा है ना, वो सर्विस रोड ही अपने प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। कैसे है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पहला बेडरूम आपको दिखा दूं, सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप एल प्लेटफॉर्म में किचन यहाँ पर देखने को मिलेगा, फ्रिज के लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट, एग्जॉस्ट फैन,
फैन के लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट, हर एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट के साथ इक्विप्ड, ये फुल्ली मतलब हर एक चीज दिया हुआ था डेवलपर ने यहाँ पर। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जो प्रोजेक्ट बनेगा वो इससे भी ज्यादा प्रीमियम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर बार डेवलपर जो कंस्ट्रक्शन करेगा वो अपने पिछले डेवलपर से या सॉरी पिछले बिल्डिंग से तो बेटर ही होगा। दूसरा बेडरूम आप देख सकते हो, दूसरे बेडरूम का साइज और बड़ा था और ये विथ मास्टर बेडरूम था, अटैच वॉशरूम बाथरूम वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर डेवलपर ने दिया हुआ था। अब इसके अंदर भी मैं जाऊँगा तो एक और बैल्कनी भी थी, और बैल्कनी मैं खुद खड़ा होकर दिखा देता हूँ वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए कि बैल्कनी का साइज वगैरह कैसा है, खड़े होने लायक है नहीं है, आप शाम को आराम से बैठ के चाय पी सकते हो कि नहीं, आपको पता लग जाएगा। ये जो है एक और अपार्टमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपने हॉल का साइज देख लिया, इसके आगे जब भी मैं आपको लेके जाऊँगा, बैल्कनीज इसके अंदर बड़ी बड़ी थी। अब ये क्या है, पनवेल रेलवे स्टेशन से आपको इस प्रॉपर्टी में आने में मेरे हिसाब से कुछ 10-11-12 मिनट का टाइम लगता है। सामने आप जाओगे यहाँ पर कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया आपको देखने को मिलेगा, ये वॉशरूम और बाथरूम दोनों सेपरेट है इसके अंदर, क्योंकि ये 1 RK फ्लैट है और 1 RK फ्लैट में भी आपको सेपरेट वॉशरूम बाथरूम मिलता है। इसका जो किचन है इसके अंदर एल प्लेटफॉर्म नहीं है, सिंगल प्लेटफॉर्म है और ऊपर टाइलिंग करके दिया था हाफ वॉल पे, और इसके अंदर भी बैल्कनी थी। तो 1 RK अपार्टमेंट अपना कुछ ऐसा दिखता था, 2 BHK आपने देखा ही है, 1 BHK को भी मैं छोड़ने नहीं वाला क्योंकि ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो 1 BHK ही देखते हैं, 2 BHK तो जिनकी बड़ी है फैमिली वो देखते हैं, या 1 RK जो सिर्फ 2-3 लोग रहने वाले होते हैं वो 1 RK देखते हैं, या जिनका बजट बहुत ही टाइट चल रहा है वो 1 RK देखते हैं। अपने यहाँ पे तो 1899 से 1 RK की कॉस्टिंग भी चालू होती है, वो भी प्राइसिंग से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। किचन आपने देखा, वॉशरूम बाथरूम आपने देख लिया, यहाँ पर 1 BHK में भी वॉशरूम बाथरूम दोनों सेपरेट है, ऊपर पानी रखने के लिए एक्स्ट्रा जगह हुई है, मतलब आप उसको और भी तरीकों से यूज़ कर सकते हो। और इसका बेडरूम आप देख लो, यहाँ पर आपको वार्डरोब के लिए अलग से जगह है। इस बेडरूम के अंदर मास्टर बेडरूम नहीं था, 2 BHK में था जो सैंपल मैंने आपको दिखाया, और सेम बैल्कनी आपको यहाँ पर भी बड़ी सी देखने को मिलती है। नॉर्मल बैल्कनी से इसकी बैल्कनी, इस प्रोजेक्ट की बैल्कनी 100% बड़ी थी। नीचे आते ही ये जो है सारा बिल्डिंग का डिजाइन वगैरह आप देख सकते हो कि कैसा डिजाइन हर एक चीज का बनाया हुआ था, और ऐसा ही सेम बिल्डिंग इसके आगे बनने वाला है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहां पर आज हमको हमारे सब्सक्राइबर मिलने वाले हैं, मतलब इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ था जब भी लॉन्च हुआ था यह प्रोजेक्ट, तो वो वीडियो देख के हमारे एक क्लाइंट है वो भी यहां पर साइट विजिट करने के लिए आए थे और मुझे वो मिल गए अचानक से, उन्होंने सब बताया मुझे, मैंने उनका वीडियो भी बनाया, आप देखो जरा। अच्छा मेरी वीडियो देखा आपने, क्या बात कर रहे हो। मैं यहीं पे भाई सब इनको पूछ रहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपने कभी देखे वीडियो? अभी एक महीना पहले ही देखा है शायद, आपके बहुत से साइट पे विजिट किया हम लोगों ने। तो लोजा में भी गए थे हम, सब्सक्राइब किए कि नहीं? हां सब्सक्राइबर तो है, इसलिए तो नोटिफिकेशन आता है ना। यार हमारे सब्सक्राइबर मिलते हैं ना तो मिलके बहुत अच्छा लगता है। अब बिल्डिंग के पीछे से दूसरी तरफ लेके जाता हूँ मैं आपको, हाईवे के उस तरफ जहाँ पर एक और प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ ये भी मेन हाईवे टच प्रोजेक्ट है, बस थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है, और सामने आप देखो कि ये जो बिल्डिंग है ना 7 माले का, ये बन के रेडी है, सोल्ड आउट है पूरा। अब इसके जस्ट पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, नया प्लॉट है वहाँ पर, लगभग प्लिंथ का काम होने वाला है, आप देखोगे वहाँ पर नया प्रोजेक्ट चालू होने वाला है जिसका बजट अगर 29-30 लाख का भी नहीं है तो उसके लिए और सस्ते में 25-26 लाख रुपए में प्रॉपर्टी का वहाँ पे आपको मिलेगा। क्या दाम है एग्जैक्टली वो भी मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ, आपसे कुछ भी छुपाने नहीं वाला। इसके पीछे भी आप देखोगे ये पूरा सोसाइटी इसी डेवलपर ने बना के डिलीवर किया है, हर तरीके की बस वस सब कुछ आपको यहाँ तक मिलती है। यहाँ से मैं बाहर निकला पहले, बहुत भूख लग गई थी अभी तक, एक वड़ा पाव खाता हूं और आपको सारी की सारी डिटेल A to Z सब कुछ बताता हूं। तो फाइनली वीडियो के एंड में मैं आपको लेके आ गया हूँ। देखो मैं बहुत टाइम से पनवेल की वीडियो पिछले 3 हफ्ते से नहीं बना पा रहा था क्योंकि मुझे कुछ ऐसा प्राइसिंग, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार मैं आपको दो प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं, एक उनके लिए जिनका बजट अच्छा है लेकिन एक उनके लिए भी जिसका बजट कम है। अब कैसा होने वाला है, क्या फर्क होने वाला है वो भी मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नवी मुंबई पनवेल में मैं आया सुबह सुबह, भाई वसई से ट्रेन पकड़ के मैं यहां पर आ तो गया, 1.5 घंटे में मैं वहां से पहुंचा वसई से। रेलवे स्टेशन उतरते ही हमारे भाई आ गए जो फिलहाल वीडियो बना रहे, हमको उन्होंने पिक किया, आसपास का पूरा लोकेशन देखा समझा। मैं आपको बताता हूं
पीछे आपको इंडिया बुल्स देख रहा होगा, मैंने नया फोन लिया आईफोन 15 प्रो मैक्स, तो थोड़ा सा सिनेमैटिक मोड में यूज कर रहा हूँ तो ब्लर हो रहा होगा, बट वो जो आप देख रहे हो इंडिया बुल्स की बिल्डिंग है। मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि ये जो प्रोजेक्ट्स है ना 70-60 लाख रुपए तक 1 BHK बेच रहे हैं। आसपास में बैनर देखोगे 70 लाख, 80 लाख, हीरानंदानी का 1-1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं जानता हूं आपका उतना बजट नहीं है, तो हमको ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जो बजट में हो। तो अगर आप पनवेल स्टेशन से 10-11-12 मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, अगर आप गाड़ी से आते हो आराम से इतने देर में पहुंचते हो, अगर इतना डिस्टेंस आपको चलेगा, ये जो मेरे पीछे प्रोजेक्ट आप देख रहे हो जिसका 3rd माले का स्लैब ऑलमोस्ट होने वाला है, अगर ये प्रोजेक्ट आपको चलता है, आपने बना हुआ प्रोजेक्ट देखा है कितना जबरदस्त प्रोजेक्ट इस बिल्डर ने डिलीवर किया हुआ है, तो अगर आपको ऐसे बिल्डर के पास प्रोजेक्ट चाहिए ऐसा डिजाइन वाला, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 RK, 1 BHK, 2 BHK सब कुछ अवेलेबल है। 1 RK की प्राइसिंग होने वाली है 19,99,000, 1 BHK की प्राइसिंग होने वाली है 29,99,000 नेगोशिएबल। अब मैं आपको बता रहा हूं ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो ना, अगर आपका मेन हाईवे पे घर लेने का मन है इंडिया बुल्स के जस्ट बगल में, सामने हाईवे है उसके बगल में सर्विस रोड है, अपने प्रोजेक्ट के जस्ट सामने सर्विस रोड है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेन डोर का एंट्रेंस यहाँ पे बना हुआ है, इसके जस्ट बगल में सर्विस रोड आने वाला है, तो ये ऐसा एक लौता प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको डायरेक्ट हाईवे के सर्विस रोड से कनेक्टिविटी मिलती है, इतना जबरदस्त इसका लोकेशन है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ सब्सक्राइबर या कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनका 29,99,000 का भी बजट नहीं बैठ पा रहा है, तो मैं आपको बताता हूं उनके लिए जो दूसरा प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया जिसका नया फेज मतलब नया प्रोजेक्ट वहां पर जो लॉन्च हुआ है, अगर किसी को भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चलेगी, मतलब इसका तो 3 माले का ऑलमोस्ट काम होने आया है, उसका काम प्लिंथ लेवल पे पहुंचने आया है, तो अगर किसी का भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वहां पर 1 BHK ले सकते हो 25,99,000 रुपए में, 1 RK 18,99,000 रुपए में, तो आपका काम इस तरीके से सस्ते में वहां पर हो जाएगा, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सारी डिटेल्स मैंने आपको अभी फिलहाल के लिए दे दी है, दोनों में फर्क क्या है, डिस्टेंस क्या है, मुंबई से कनेक्टिविटी आपने पूरे वीडियो में देखा होगा, मुंबई नवी मुंबई की कनेक्टिविटी कैसी है, हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको अगर ये रिव्यू समझ में आता है, ये प्रॉपर्टी लोकेशन बिल्डिंग कुछ भी अगर आपको पसंद आता है, तो स्क्रीन पे मैं काम बिल्डर का डायरेक्ट नंबर डाल दूंगा हमेशा की तरह, तो आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी कोई ब्रोकर कुछ भी नहीं होने वाला है, 0% ब्रोकरेज पे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी और हर नेशनलाइज्ड बैंक से लोन होता है, 100% टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट्स, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स है, एमिनिटीज की कोई कमी नहीं। तो अगर आपको फिर से यही बोलूंगा कि पसंद आता है तो तुरंत कॉल करो स्टेशन से, आपको मतलब खांडेश्वर स्टेशन पे ऑफिस है, वहां से आपको पिक एंड ड्रॉप भी मिल जाएगा, अगर आपको समझ में आता है तो जरूर कॉल करो। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आपको मुझे सपोर्ट करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।